ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा की कला संस्कृति को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। यह सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है। देश का नया बजट उस नीति को और मजबूत करता है, जिस पर चलकर पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त बनाने की गारंटी। तो यहाँ के विकास को गति देने के संकल्प के साथ आता, लेकिन आपको याद करना होगा 2014 से पहले दिल्ली से कांग्रेस के नेता यहाँ आते थे तो क्या करते थे वे लोग? या कालाहांडी जाते थे, आदिवासी बस्तियों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, टीवी और अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में ओडिशा की गरीबी छाई रहती थी। जिस ओडिशा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहां कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहां हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध ओडिशा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया। साथियों, 2014 से पहले जहां ओडिशा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे, वही हमारी सरकार आज ओडिशा का गौरव बढ़ा रही है। भाइयों और बहनों, दो दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी। हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। और आप ये भलीभांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।